7 alle spiagge. Continua. 7 meno? Yes. ये मैं सच देख रही हूँ, तो मतलब साक्षी अग्रवाल खुद मेरे घर विदाउट मेरी कॉलिंग मैसेज, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा रिएक्शन सही है क्या? मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। अच्छा, फोन कर सकती थी? मुझे मिलना था, मैंने सोचा मिल लूं। अच्छा, क्या नाटक है? तुम्हारा रिएक्शन एकदम सही है, बट सच में मुझे कुछ सीरियस बात करनी है। तुम सुनोगे मेरी बात? अच्छा, तो फिर ठीक से सुनना पड़ेगा। रुको, मैं थोड़ा बैठ लूँ। हाँ बोलो। देखो, उस दिन रात के बाद मैंने रियलाइज किया मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करती हूँ। क्यों हंसाते हो यार? मतलब ये कैसा नौटंकी है नया? अरे अरे सीख। देखो, तुम्हारा रिएक्शन एकदम सही है, बट मैं तो तुमसे सीरियस नहीं हूँ। साथी, आई एम नॉट इन मूड। बात सुनो निधि, मैं सच में तुमसे ही प्यार करती हूँ, और तुम्हारे बिना किसी और को प्यार करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो गलत था। आई नो, मतलब एक रात में ऐसा क्या जादू करते हैं? एक रात में नहीं, तुम ही तो बोल रहे हो कि इस रात के बाद। हाँ, मैंने बहुत सोचा कि नहीं, गलती मेरी थी, मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे तुम्हें टाइम देना चाहिए था। एक दिन पहले तुम मुझसे इतना नफरत करती थी, एक दिन बाद तुम्हें मैं तुम्हें कभी नफरत नहीं किया, मुझे जस्ट गुस्सा आया था क्योंकि तुमने जो मेरे साथ जो कर रहे थे ब्लैकमेल, और एट द एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। नाटक हो गया तो चली जाओ। नाटक नहीं है, सच में मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। आई नो तुम्हारा ट्रस्ट नहीं करना एकदम जायज़ है, बट प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन तो लो। ट्रस्ट मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और शादी करना उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तुमने मुझे ऐसे बताया था उस दिन। जी देखो, जो 6 साल के रिलेशनशिप को तोड़ के किसी अमीर ज़्यादा से शादी कर सकते हैं। मैं मान रही हूँ ना, मेरी गलती थी, मैं मान रही हूँ। तो तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ। आई नो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसका कोई माफ़ी नहीं है। आई नो, बट फिर भी मुझे बस एक ही, ठीक है तुम मुझसे नफरत करो, बट प्लीज़ मेरे साथ रहो, तुम्हारे बिना रहना। तुम शादीशुदा हो, मेरे साथ नहीं रह सकते, और तुम भूल गए कि तुम कृति से प्यार करती हो। मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। अच्छा, तो उसको भी फंसाई मैं फंसाई नहीं हूँ, मुझसे प्यार करती है। मैंने सोचा कि मैंने बहुत ट्राई किया, कृति या अंकित दोनों बहुत अच्छे कि उन लोगों से मतलब प्यार करने की कोशिश करूँ, स्पेशली कृति से, बट नहीं हुआ मुझसे। मैंने बहुत ट्राई किया, तुम्हारे अलावा मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। जो प्यार तुम मुझसे करते हो वो भी कोई नहीं करेगा मुझसे। पर अगर तुम मुझे दोबारा छोड़ के चली जाओ तो? यही बोल रही हो ना, तुम मेरे साथ मत रहो। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, तुम मुझे अभी ट्रस्ट मत करो, बट प्लीज़ गिव मी वन चांस। ओके, आई नो तुम्हारा रिएक्शन एकदम ठीक है, तुम गुस्सा हो मुझसे, गुस्सा रहो, बट प्लीज़ मेरे साथ रहो, मुझे मिलना है तुमसे, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तुम चले जाओ, बट याद रखना मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और हमेशा तुमसे ही करूँगी।
आई एम सो सॉरी, आई नो मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ, प्यार करती हूँ और हमेशा करूँगी। मुझे पता नहीं मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मैंने सिर्फ गुस्से में आके तुम्हें तड़पाने के लिए, तुम्हें सताने के लिए देखा, पर मैं सच में तुम्हें कभी हॉर्ट नहीं करना चाहती। छः साल बाद मैंने तुम्हें छोड़ा था, तुम्हारी जगह कोई नहीं तो कैसे छोड़ता, छोड़ नहीं था। शादी कर ली, आई डोंट नो, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे भी थे हम लोग खुश थे, ऐसा सब कुछ होता है पता है, पर हम कर लेते कुछ, पर तुम क्यों छोड़ के चली गई मुझे? आई एम सॉरी, आई नो मेरी गलती थी, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम सो सॉरी। आई लव यू साक्षी, आई रियली लव यू मेरी, पर अभी अभी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। देखो उनकी बात तो ना करो ना प्लीज़, तुम्हारी और मेरी बात करनी है, क्योंकि बहुत दिनों बाद फिर से मिली है। अभी तो तुम्हारे लिए पॉसिबल है मेरे माफ कर दी, इतने बड़ी गलती किया मैंने तुम्हारे साथ, जो किया वो माफ़ी के सच में। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि माफ़ी तो क्या, जान भी दे सकती हूँ तुम्हारे लिए, और जान ले भी सकते हो, ये तो दे ही लिया। जान तो मैंने तुम्हारा ले लिया। यू आर माई जान, मैं कैसे तुम्हें तुम्हारी जान ले दूँ? नहीं ले लेंगे तुम्हारे लिए, सच में वो तो कब का ले। थैंक यू मेरे पास वापस आने के लिए, प्लीज कभी मुझे छोड़ के मत जाना। क्यों? अरे घर पे कोई नहीं है, अभी अंकित का कॉल आया था कि घर पे जाने के लिए। अंकित ऐसे तो नहीं जा सकते मुझे छोड़ के, अभी अभी मिले हो, अभी कैसे जा सकते हो मुझे? कल आऊँगी तुम्हारे साथ मिलने। प्लीज़ अरे घर में कोई नहीं है, समझा करो प्लीज़, मैं आऊँगी तुमसे मिलने, कल ज़रूर आऊँगी। कल तक मैं कैसे रहूँगी फिर? मैं हो ना फ़ोन करती रहूँगी तुम्हें, डोंट वरी। करोगी ना फ़ोन? यस। मैं छोड़ के आ जाओ तुम्हें? नहीं मैं खुद जा सकती हूँ, कार्ड है यहाँ पे। प्लीज़ जाके मुझे कॉल करना, मैं इंतज़ार करूँगी। हाँ फिर हेलो तो थैंक यू, आई एम सॉरी। बस घर जाओगे ना मुझे छोड़ कर? मैं अरे नहीं कभी नहीं। हेलो हेलो हाँ मैं निकल रही हूँ। अच्छा
काम हो गया है? काम हो गया है, मुझे पता है तुम काम कर लोगी, तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम्हारे घर पे होगा? नहीं मैं निकल रही हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। अभी कहाँ जा रहे हो? बहुत इम्पोर्टेंट काम है, आ जाऊंगी कुछ देर में, आ जाऊंगी। अच्छा जल्दी आओ, मुझे बात करनी है बहुत सारी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ घर पे। ओके बाय बाय। हाँ साक्षी अभी अभी निकल गई, आ जाओ तुम। बाय। तुम भी साक्षी के साथ क्या कर रही हो? तुम मेरे प्यार के साथ क्या कर रही हो? तुम उसको स्टॉक कर रही हो क्या? हाँ मैं कर रही थी स्टॉक। उसको पीछे पीछे इधर आ गए? हाँ जाना ही था, तो मेरा प्यार था, मैंने उसके लिए तो आना ही है ना। ओ अच्छा, ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी टू सी यू एक्चुअली। इतने दिन बाद तुमसे मिली हूँ मैं, ये साक्षी के चक्कर में हम दोनों को मिल ही नहीं पा रहे थे बस से। और तुम तो साक्षी के साथ इतना नाटक कर रही थी, प्यार तुम भी तो कर रही थी। वो क्या था? वो क्या था? वो तो मेरा पहला प्यार है, वो कर सकती हूँ। तुम क्यों किया? वो मेरा प्रेजेंट प्यार है, मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं कब करूँ? मुझे भी तुमसे मेरी हो ना, तुम मुझे मैंने एक्चुअली बहुत हार्ट ब्रेक हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कहीं घूम आऊँ। पर गोवा में बीच में इतने खूबसूरत लड़की थे तो मैं अपना गम भूल गई। अब किसी घूम की बात होती थी कि हम लोगों को ऐसे खुद खुद से मिलाने जल्दी जल्दी घूम चाहिए। वैसे तुम बहुत अच्छे से समझाए साक्षी, सोचते ही कि तुम मुझे सता दो और उसे पता ही नहीं जो वो फंस गई है, तो पता ही नहीं है। चलिए साक्षी फंस जाएगी इसलिए कि अंकित तिहाड़ी पकड़ वो है, कुछ होगा तो उसके ऊपर ही जम आएगी और वो दिल की हवा खाएगी। एंड अंकित डिजर्व्स इट, बिल्कुल मेरी तरफ करती क्योंकि मुझे छोटा मोटा काम करना पड़ता है तो अंकित के परमिशन लेना पड़ता है, कुछ पैसा मांगना होता है तो अंकित को परमिशन लेना पड़ता है। ऐसे कैसे कितने दिनों तक चलता है ये, इसलिए तो आई नो मेरी तुम बहुत कष्ट करती हो। मैं बहुत कष्ट करती हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि अंकित ने मुझे छोड़कर साक्षी को रोमनी बना दिया। मैं उसकी बहन हूँ, मुझे दिखाई नहीं दिया उसको, कुछ दिन के लिए आई वो लड़की उसको बना दिया। मम्मी साक्षी ऐसी है, हर जगह अपने जादू जादू से काबू कर कर लोगों को फंसाती है, लोगों को दिल तोड़ते हैं। डोंट वरी, ज़्यादा दिनों तक ये जादू नहीं चलेगा। हाँ ऐसे कुछ प्लान किए हैं। और साक्षी ऐसी लड़की है ना, वो किसी से प्यार नहीं करती, कर नहीं सकती, वो प्यार का मतलब नहीं है। पैसों से प्यार नहीं है इसीलिए तो तुम्हें भी छोड़ा है ना, पैसों के लिए तो छोड़ा है। अंकित के साथ आज वो है किसी पैसों के लिए ही तो है। तुम्हें तो सब पता ही नहीं थी, अंकित के मम्मी गुजर जाने के बाद उसके पापा ने दूसरी शादी की और वो अपने पहले प्यार को कभी भुला तो नहीं पाई थी, पर एक बेबी को लाना था इस दुनिया में तो इसलिए मैं आ गई। कभी वो प्यार मुझे कर तो नहीं पाई और
इसलिए पूरी जायदाद अंकित के नाम कर दी। मैं तभी भी चुप थी, मुझे लगा था मैं अपने आप में ही बिजी थी। मुझे तो कभी भी प्यार पापा से भी नहीं मिला, अंकित से भी नहीं मिला, फिर भी मैं चुप थी। मैं अपने अपने दुनिया में बिजी थी, मैं अपने काम पे बिजी थी, मम्मी भी नहीं थी कि उसके साथ कुछ शेयर करूँ, मैं पूरी अकेली थी इस दुनिया में। फिर भी मैं अपनी दुनिया में खोई रहती थी, पर अंकित ने भी सेम काम किया, पापा के जैसे सेम काम किया। हाँ, उसकी बीवी को वो नॉमिनी कर दिया, तो मुझे तब भी लगा था अब मैं और चुप नहीं रह सकती, मुझे अब कुछ करना ही पड़ेगा। ये सब होने के बाद ही तो मैंने तुमको सब कुछ बोला। आई नो जब हम लोग गोवा में मिले थे तब तो मैं तुम्हारी सारी स्टोरी थी। मुझे पता नहीं था कि तुम अंकित की बहन हो के और साक्षी तुम्हारी खो गई। शायद ही हम लोग का डेस्टिनी है कि हम लोग को मिला या कुछ अच्छे काम के लिए जो कि हम डिजर्व करते हैं, वो लोग नहीं डिजर्व करते। डोंट वरी बेबी, मैंने उस दिन ही सोच लिया था जब तुम आके बोली कि पूरा प्रॉपर्टी का नॉमिनी उसकी बीवी साक्षी को बना दो, तब हम मैंने तुम्हें बोला कि चलो एक गेम खेलते। उसके बाद से तुम साक्षी को फंसाना स्टार्ट किया और मैं उसे तंग करती हूँ ताकि उसको लगे कि मैं उसे परेशान कर रही हूँ और तुम उसे सपोर्ट कर रही हो। और जब उसको मैंने अपने घर में बुलाया तो आई एम सॉरी, वो करना ही पड़ा, इट वॉज पार्ट ऑफ आवर प्लान राइट। और थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता मेरे लाइफ में, और ना ही मुझे सच्चा प्यार मिलता तुम्हारे जैसे, जो कि मेरे लिए सब कुछ कर सकता। अब सिर्फ यही काम करना, अंकित को हटाना है दुनिया से, और जब पुलिस आएगा तो पूरा इल्ज़ाम किसको जाएगा? साक्षी के ऊपर, क्योंकि एक वो ही है जिसको जो अंकित को मार के सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। yes. पूरा प्रॉपर्टी उसके पास, अब वो गई जेल, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम और हम दोनों आजाद। अब चलो घर चलते हैं।